सिपाही मकबूल हुसैन एक अजम है, जज्बा है, वलवला है और पैकर है हुब्बे वतनी का। न डगमगाए कभी हम वफा के रास्ते में, दिफा से गुजरते हुए हाइड आउट में पहुंचेंगे। चिराग हमने जलाया हवा के रास्ते में। इन 40 सालों में मुझे मुख्तलिफ जेलों में ट्रांसफर करते रहे, हर नई जगह नया तशद्दुद, नए फौजी और नए हरबे मेरा इंतजार कर रहे थे। फौजी अपना नाम तो भूल सकता है मगर कब्र में जाने के बाद भी अपना नंबर नहीं भूल सकता। भाई मकबूल हुसैन, यस सर, तुम्हारी एजुकेशन की वजह से तुम्हें वायरलेस ऑपरेटर का टास्क दिया जाता है। आई सैल्यूट यू बॉयज। Just in 2 days, over 12 blasts, I have lost 70 people. मिस गुलनार का ब्लड टेस्ट मैंने ले लिए, अब आप डीएनए टेस्ट के लिए आइए प्लीज। हाँ जी कनुद्वा, क्या प्रोग्रेस है? सर कुछ मोमेंट्स में कुछ कुछ याद आ रहा है उसे, उन मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। गुड। लेकिन सर सच जानने के लिए इस केस पर थेरेपी से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में मैं उसकी फैमिली के लोगों से भी मिल रही हूँ और उसके अपने ग्रुप के 5 सोल्जर्स थे, उनमें से 2 जिंदा हैं। आज मेरी उनसे भी मुलाकात है। नाइस। लेकिन सर खुशी की बात यह है कि सिपाही मकबूल हुसैन लिख लेता है। टूटी फूटी बातें सही मगर इतनी जरूर है कि कहानी के सिरे आपस में जुड़ सके। नाइस। नाक, कान, आंखें, मुंह,
सब अलग अलग सही, लेकिन लेकिन चेहरा बनता जा रहा है। बस बस इन सबको एक ऑर्डर में लाने की जरूरत है। पर सर, अब तो उसके टेस्ट बर्ड्स भी वापस आ रहे हैं। अब आज उसने बीड़ी भी पी है। वेल डन, यू सी दिस इज योर क्वालिटी डॉक्टर दुआ, दैट यू आर मोर देन अ साइकियाट्रिस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। हो सकता है कोई जरूरी फोन हो। हेलो सर, पाकिस्तानी सेना का एक फौजी पकड़ा है। ओह गुड, वेरी गुड। हाँ, मैं अभी आता हूँ। यस, कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, आज मत जाओ। आई हैव टू गो मधु, एक इंपॉर्टेंट फौजी पकड़ा है, इंटरोगेट करना है उसे, सो जाना होगा मुझे। तुम हमेशा मुझे प्यासा छोड़ जाते हो खन्ना, हमेशा। जब भी दरिया के पास पहुंचती हूं तो दरिया अपना रुख मोड़ लेता है। क्यों क्यों मधु, ड्यूटी भी तो करनी है स्वीट हार्ट। ड्यूटी ड्यूटी, मैं भी तो तुम्हारी ड्यूटी हूं खन्ना, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। मैं तुमसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, सो आई हैव टू गो। आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स, तुम क्या करोगे आर्ग्यूमेंट्स? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को, कुछ नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास करने का कुछ है। तुम मुर्दा हो गए हो खन्ना, मुर्दा हो गए हो। तुम मर गए हो, मर गए हो तुम अंदर से, तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया है। इसलिए तुम मेरे पास कभी रुकता ही नहीं हो। एक बात सुन लो खन्ना, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अभी तक जिंदा हूं अंदर से, जिंदा हूं मैं अंदर से। मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ आशाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं मेरी। And you are killing me, you are killing me खन्ना, you are killing me, you are killing me. You're killing me. Colonel Khanna is just coming here. क्या दी कुछ बोला? अभी तक नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं। जीता सिंह सर, मैंने तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस का कोई अफसर लगता है। सिग्नल ऑपरेटर्स को तो कॉल सीखा किया क्या?
बहुत जख्मी था सर, मगर उसने हमें बहुत टफ टाइम दिया। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन ही इज अलोन। सर और भी कोई पकड़ा? नो सर, सिर्फ यही है। सर आपने साथ का पता ये आप ही दसूगा क्या क्या? चिंता ना करो चीता सिंह, वो बोलेगा, उसका पिता भी बोलेगा। ओ कर्नल खन्ना जी, उसकी अपनी हिफाजत रखा। Oh.
मकबूल हुसैन। चिता सिंह सर टैक्टिक्स तू इस्तेमाल करो। ओ सर ओ मर जाऊंगा। चिता सिंह ओ अपने नाल दे ना पता दस दे नहीं ते मरया जाऊंगा। रैंक सिपाही नंबर 3351। झूठ फिर झूठ फिर झूठ बोल। और कौन कौन था तेरे साथ? कितने साथी हैं तेरे? बोल। मैं कितने था कितने था का मैं अकेला। भगवान की सौगत बड़ा ही ढीठ है। पक्का मुसला है सर। हमें विश्वास है ये अविश बोलेगा बोलेगा अविश बोलेगा। इसकी तो शरीर का एक एक रूह बोलेगा। चित्र सिंह सर मैं कर्नल खन्ना को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। अगर ये जुबान खोले तो डू इन्फॉर्म मी। नसीरा सनोबर कुछ पता चला आप बोले का? चाचा और हयाता गए हैं छावनी पता करने। जंग को खत्म हुए तो बहुत दिन हो गए लेकिन बुला नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? पता नहीं कब आएगा मेरा बुला। नसीरा हौसला कर हौसला। मेरा भाई आएगा जरूर आएगा। तू उसे नहीं जानती। चल चल घर चलते हैं। खन्ना है सर। What is the progress, Colonel खन्ना? We are trying, sir. हम मन से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ न कुछ जानकारी जरूर हासिल कर लेंगे सर। कुछ बोला? बोलेगा, अवश्य बोलेगा। उसका तो पिता भी बोलेगा। सर आप तो जानते हैं कि कर्नल खन्ना हिंदुस्तान का देशभक्त सैनिक है। अपनी मान मर्यादा के लिए किसी भी सीमा से गुजर सकता है। Best of luck. सर नमस्कार सर। जय हिंद।
क्या बात है खन्ना, किस बात की चिंता है? ये पाकिस्तानी सोल्जर तो मेरी नौकरी के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्यों, उसके आगे भी नहीं चली तुम्हारी मर्दानगी? मधु, हर समय तंज कतारी मत मारा करो, मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। लो, इसमें तंज करने वाली क्या बात है, सच्ची तो कह रही हूँ मैं। तुम में दमखम होगा तो किसी से कुछ उगलवाओगे ना? तुम किसी से कुछ भी नहीं उगलवा सकते खन्ना, कुछ नहीं। क्यों, गलत कह रही हूं मैं? वैसे तुम कहो तो मैं ट्राई करके देखूं। मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारा मतलब। इसमें समझने समझाने वाली क्या बात है खन्ना, औरत सब कुछ बुलवा सकती है अगर चाहे तो, और तुम जैसे मर्द किसी से कुछ भी नहीं बुलवा सकते। बराए हो, तुम्हारा पाकिस्तानी फौजी तुम्हारे जैसा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ जरूर बोल देगा। मेरा रक्स देखकर कुछ सजेशन इस अग्नि परीक्षा से भी गुजर के देख लेते हैं मधु। लेट्स ट्राई। तू तो कल का टुकर भी नहीं खाता, और जे टुकर नहीं खाऊगा तो जिंदा किदा रहू, तो अपने साथियों का ना पता किदा दसू की आख्या? ओ मैं ते ओ बोलदा नहीं चीता सिंह, जो तुम सुनना चाहते हो वो मैं बोलूंगा नहीं, और जो मैं बोलना चाहता हूँ वो लोग तुम लोग सुनना नहीं चाहते। क्या हो रहा है चीता सिंह, क्या कहता है ये मुसला? बड़ी गिट मिट कर रहा है या तेरे संग? तू ही तो राम लाल, एक जनानी आ तेरे अंदर जड़ी हर वेले कनसुइयां लेंदी रहंदी आ, की आख्या? ओ गल सुन ओए, ना ते साड़ा चीता सिंह आ पर हैं आपा बब्बर शेर दी नसल बिचू, की आख्या? ओ ना करया कर शक सरदारा ते। ओ सौगंध भगवान की, मैं तो कुछ और कह रहा। ओ रान दे तू अपनी सफाइयां। एदी ते सुन, ए की कहंदा? हां भाई मकबूल हुसैन, ओ की कहंदा से तू? मैं कह रहा था जो मैं बोलना चाहता वो
तुम सुनने को तैयार नहीं हो। तू किसी समय कोई काम की बात करे तो सुने भी। काम की बात ये है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अब बड़ा कोई टीट है भाई तूता, और तूता सरदारा तू भी मत गया वा। रामलाल की हो गया और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। रामलाल की हो गया और बस कर, नहीं कर दे। बेवस हो गया बेचारा। अच्छा दे मासी, 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 वो क्या हुआ याते? मासी, फौज की चिट्ठी आई है कि बुल हुसैन शहीद हो गया। भाभी, भाभी सबर कर, सबर कर भाभी। शहीद की बगैतर के मैं
मैं शहीद थी मगर राम राम मैडम, आप यहां इस समय? हाँ मैं इस वक्त यहां। ओह तो ये है वो पाकिस्तानी सिपाही बबूलों से। भगवान कसम, बड़ा ढीठ मसला है जी। जाओ यहां से। मैं जाऊं? वो बड़ा खतरनाक फौजी है मैडम। तुम जाओ यहां से रामदास, मैं कह रही हूं। ठीक है, मैं वो बाहर ही खड़ा हूं जी। मैं आप कोई चिंता मत करियो जी, अगर कोई हेरा फेरी करेगा तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बेचारा तो खुद मरा हुआ है, हेरा फेरी क्या करेगा। तुम जाओ रामदास, जाओ यहां से जी। से रिश्ता है प्यार का।